तीन दिन पहले प्रदेश से आए पिता की 13वीं में आए युवक की आज गोमती नदी में मछली पकड़ते समय पानी में डूबकर मौत हो गई। 20 दिनों के अंदर पिता और अब बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। स्थानीय गोताखोर घंटों से युवक की तलाश कर रहे थे, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। जानकारी के अनुसार घटना सुल्तानपुर जिले के हलियापुर थाना क्षेत्र के कांपा गांव की है। यहां तिरहुत कुसहा गांव निवासी 25 वर्षीय मनोज अपने साथियों के साथ मंगलवार को मछली मारने के लिए कांपा गांव स्थित गोमती नदी के तट पर पहुंचा था। मनोज जिस सिरे पर बैठा था वहां घंटों मछलियां पकड़ में नहीं आई तो वो बिना साधन के पैदल ही नदी पार कर दूसरे छोर पर जाने लगा। बरसात के चलते नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ था और मनोज पानी की लहरों में फंस कर डूबने लगा। नदी में डूबते हुए उसने जान बचाने के लिए गुहार लगाई। उसके साथ मौजूद अन्य लोगों ने काफी कोशिश की मगर बचा नहीं सके। पानी के तेज बहाव की वजह से वह नदी में डूब गया जिससे उसकी मौत हो गई। उसका कोई पता नहीं चल सका है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव की खोज शुरू कर दी है। बता दें कि मनोज की 6 साल पहले शादी हुई थी। पत्नी संजू के साथ उसका 3 वर्षीय बेटा समर है जिनका रो रो कर बुरा हाल है। मनोज 4 भाइयों में तीसरे नंबर पे था। 3 दिन पहले ही वो पिता की 13वीं में प्रदेश से घर आया था। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजित राम है। क्या मामला है? सर मेरा भाई जो है वो मछली पकड़ने आया था जी। वो उधर से मतलब कि नदी पार कर रहा था उस तरफ दूसरी तरफ छोर को जाने के लिए, तो आधा नदी पार कर चुका था। उसके बाद में थोड़ा रह गया था दो लाठी, बस वहीं पर मतलब कि वो बोलने लगा, आवाज़ करने लगा। कितने भाई हो तुम? हम 4 भाई हैं। तुम्हारे पिताजी? हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया अभी मतलब 20-25 दिन हुआ। कब की घटना है? लमसम ये लगभग 11 बजे की घटना है। शादी हुई है उनकी? हाँ उनकी शादी हुई है। बच्चे उच्चे कितने हैं? हाँ एक 2-2.5 साल का बच्चा है। शादी कितने दिन हुआ? शादी को लगभग हो गया उनको 6-6 साल हो गया। प्रशासन से कौन कौन आया है? प्रशासन से हलियापुर थाना से एसओ साहब आए हैं, उनकी टीम और लेखपाल साहब आए हैं। वो भी गोताखोर नहीं आए हैं, बाकी यहाँ जो गाँव के लोग हैं। सुल्तानपुर से 944 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें 944 न्यूज चैनल।